So, good morning and welcome once again to this class which is on bandhas. Before we talk about bandha, it's actually bandha, वो तो इंग्लिश में हम लोग प्लियोरल के लिए बंधास बोल देते हैं, बट इट्स एक्चुअली बंधा. बिफोर वी गो ऑन टू द बंधा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे, थोड़ा सा अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव बीन सेइंग इन द पास्ट क्लासेस. सम ऑफ यू हैव अटेंडेड, सम ऑफ यू हैवंट, सो आई एम गोइंग टू डू अ क्विक रीकैप. तो सबसे पहले जब हम लोग प्राणायाम, इवन आसन फॉर दैट मैटर, बट मोर सो प्राणायाम, जब भी हम लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, वी हैव टू रिमेम्बर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द फिजिकल बॉडी, जिसको के योगिक भाषा के अंदर स्थूल शरीर कहा जाता है, फिजिकल बॉडी और द ग्रोस बॉडी जो हमको दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज द ग्रोस बॉडी और द स्थूल शरीर इन द लैंग्वेज ऑफ योगिक साइंस. दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर और द सटल बॉडी. दिस इज दैट बॉडी विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन स्टिल फील. ओके, सो दिस इज द सटल बॉडी. जैसे हम लोगों को, आई ऑलवेज यूज लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. जैसे हम बोलते हैं ना कि माई गट फीलिंग इज टेलिंग मी समथिंग इज नॉट राइट, है ना, वो गट फीलिंग हमको दिखाई नहीं देती है, बट यू कैन फील इट इनसाइड यू. यू नो समटाइम्स वी हियर अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड अस, दैट वॉइस यू के नॉट, मतलब वो आपने गले से निकाला नहीं है, वो स्वर में नहीं सुनाई दिया है, यू नॉट वर्बलाइज इट बाय मूविंग योर लिप्स, बट यू हियर दैट वॉइस फ्रॉम इनसाइड यू. ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ द सटल बॉडी और द सूक्ष्म शरीर. तो जब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या आसन के अलावा, आसन एक्चुअली इज प्राइमरली मोस्टली ऑन द ग्रोस लेवल और द स्थूल शरीर, दो विथ रिपीटेड प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग इट ऑन द सूक्ष्म शरीर, बट प्राणायाम और एंड अ लॉट ऑफ अदर योगिक प्रैक्टिसेस आर प्राइमरली वर्किंग ऑन द लेवल ऑफ द सूक्ष्म शरीर. दे विल वर्क ऑन द स्थूल और द ग्रॉस ऑफ फिजिकल बॉडी ऑल्सो, बट दे वर्क प्राइमरली ऑन द सटल बॉडी और द सूक्ष्म शरीर. तो सिमिलरली विथ चक्र, तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर चक्र है, शरीर में चक्र बहुत सारे हैं, जो मेन है वो सात है, जो मैंने आपको ग्रुप पे ग्राफिक भी भेजा है, विच यू कैन लुक एट लेटर ऑल्सो. तो ये जो सात चक्र है, चक्रज आर एनर्जी सेंटर्स. ओके, तो यहाँ पे हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है, और ये जो चक्र है ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे स्थित है. नाउ व्हेन आई से स्थित, दिस आर नॉट फिजिकल सेंटर्स अगेन. मतलब अगर हमारी सर्जरी होगी तो किसी डॉक्टर को दिखेगा नहीं कि अच्छा यहाँ पे मूलाधार चक्र है, यहाँ पे अनाहत चक्र है, नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द सूक्ष्म शरीर और द सटल बॉडी. तो वो जिस जगह पे हमारे शरीर में स्थित है, उस जगह के जो ऑर्गन्स हैं, उस जगह के जो फंक्शनैलिटी है, वो उस चक्र के स्पिनिंग के ऊपर, तो चक्र है ना व्हील, चक्र इज व्हील, लाइक चक्रासन और व्हील पोज. तो व्हील का काम होता है घूमते रहना ना, अगर व्हील को घुमाया ही नहीं तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हुई, वो व्हील होने का उसका मतलब ही क्या हुआ, पर्पस ही क्या हुआ. तो चक्र जो है वो स्पिन करता रहता है. ओके, अब अगर वो अपने जरूरत से ज्यादा स्पिन करेगा, जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हमारे आगे भी एक गाड़ी है लेकिन हम फुल स्पीड में चला रहे हैं, तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैशिंग नो, इफ दैट अदर कार इज नॉट एट द सेम स्पीड. एट द सेम टाइम आपके पास में पूरा खाली रोड है लेकिन आप बहुत कम 10 या 20 के स्पीड पे ही आप चला रहे हो, तो मतलब यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर ओन पोटेंशियल एंड द कार और द मशीन्स पोटेंशियल ऑल्सो. करेक्ट, सिमिलरली इज द थिंग विथ चक्रस ऑल्सो. तो उनको स्पिन करते रहना है, वो अगर अपने ऑप्टिमम लेवल पे स्पिन करते रहेंगे तो वो जहां पे स्थित है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, जो उनकी फंक्शनैलिटी है, और उससे जो हमारे सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन है, वो सब जो है वो हार्मनी में रहेगा. द की वर्ड हियर इज हार्मनी. ओके, रिमेम्बर दैट. अब वो जरूरत से ज्यादा स्पिन करेगा तो वो हमारी एनर्जी जो है वो एक्सेस हो गई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लाइक टू टेक डे टू डे एग्जाम्पल्स. अगर हम लोग, जैसे बहुत लोग अगर लेट कॉफी पी लेंगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी, बिकॉज कॉफी इज अ स्टिम्यूलेंट, इट हैज सम कॉन्टेंट जो अगर आपने बहुत देर से पिया, शाम को 6 बजे के बाद या समटाइम्स 5 बजे के बाद भी, तो इट इज गोइंग टू कीप यू अवेक.
ओके, इट इज नॉट गोइंग टू लेट योर बॉडी गो इन टू द स्लीप मोड. दैट इज वाई दे से कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दिन में कॉफी नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज एक्सेस हो गया है आपके बॉडी के अंदर. तो अगर चक्र बहुत ज्यादा एक्सेसिवली भी स्पिन कर रहा है तो भी वो आपको डिसहार्मनी में या इम्बैलेंस के स्टेट में लेके जाएगा. तो मेंटेनिंग दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बहुत कम गति में स्पिन हो रहा है तो ऑब्वियसली उन फंक्शंस, उनकी फंक्शनैलिटी, उन ऑर्गन्स और उनकी फंक्शनैलिटी और उससे रिलेटेड जो हमारे इमोशंस पे या सूक्ष्म शरीर पे असर होता है उसकी गति भी धीमी हो जाएगी. सो ईदर वे इट इज गोइंग टू क्रिएट वॉट इज नोन एज सम विकार और सम इम्बैलेंस. ओके, तो उसका एक गति में चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज द बेसिक दैट एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट चक्र, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप इससे कम जानते हैं ज्यादा जानते हैं. कम से कम इतना पता होना चाहिए और इतना याद रहना चाहिए. ओके, तो द फर्स्ट चक्र अगर आप बॉडी के ग्राफिक के साथ में देखेंगे, द फर्स्ट चक्र इज द मूलाधार चक्र. मूल इटसेल्फ मींस रूट. ओके, मूलाधार, हार, या वो बोलते हैं ना कि जैसे सत्य घटनाओं पर आधारित है, सो इट इज बेस्ड ऑन इट. ये हमारा सबसे पहला चक्र है और ये इसको रूट चक्र है तो इट इज ऑब्वियसली बेस्ड एट अ सर्टेन रूट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अगर ये चक्र सही रहा तो ही इसके ऊपर वाले जो चक्र हैं, ये फर्स्ट है ना, ये बेस है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. अगर फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो बाकी बिल्डिंग के ऊपर कैसे ही हम लोग, किस आधार पे हम लोग बोलेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है ना, इफ द बेस इज नॉट करेक्ट. राइट, सो द बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई द मूलाधार चक्र बींग द रूट चक्र इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. एंड इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ आवर बॉडी, मतलब नॉट द लेग्स पार्ट, बट हमारा जो पेरिनियम है, हमारा जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनके बेस के यहाँ पे मूलाधार चक्र जो है वो स्थित होता है या सिचुएटेड होता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, मैंने कहा नहीं था बट यूजली आउट ऑफ हैबिट आप लोग पेन पेपर कुछ लिख लेके बैठते हो. अगर नहीं भी बैठे हो इट्स ओके, अभी मत उठिए, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी बिकॉज इट्स मच मोर इजियर एंड टेंजिबल टू अंडरस्टैंड. अभी आपको पता चल गया कि मूलाधार चक्र स्थित कहाँ होता है. ओके, सो नाउ टेक अ फ्यू मोमेंट्स एंड आस्क योर सेल्फ कि ये जहां पर सिचुएटेड है मेरे फिजिकल बॉडी में, उससे कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन से ऑर्गन्स और कौन से फंक्शंस मेरी बॉडी के रिलेटेड है. जस्ट आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन. एक एक तो सबको मिल ही जाएगा, बाद में आई एम हियर टू टेल यू द रिमेनिंग ऑल्सो, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. मूलाधार चक्र, इफ यू वॉन्ट टू क्लोज योर आइज डू दैट, इफ दैट हेल्प्स यू इन रिकलेक्शन कि वो जहां पे बॉडी के अंदर स्थित है वहां से मेरी बॉडी क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. एंड वंस यू थिंक यू हैव मे बी गॉट एन आंसर, एक दो जितना भी है, यू मे ओपन योर आईज एंड इट विल बी नाइस टू कीप इट अ लिटिल इंटरक्टिव. सो अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहें तो दैट विल बी इवन बेटर. हरिका इज अनम्यूटिंग सो वील लिसन टू अ फर्स्ट. यस हरिका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेक्ट, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, विच इंक्लूड्स ऑफकोर्स फर्टिलिटी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, विच इंक्लूड्स अदर थिंग्स ऑल्सो, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड. सो लाइक वेन वी टॉक अबाउट सेक्शुअल रिलेशनशिप्स फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट प्योरली फिजिकल, नो, इट इज ऑल्सो मेंटल, इट इज ऑल्सो इमोशनल, इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल. ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज वाई इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द फिजिकल बॉडी. ओके, एनी वन एल्स इफ यू विश टू अनम्यूट एंड शेयर प्लीज डू दैट. यस कविता जी, यू नॉट अनम्यूटेड, हाँ बोलिए. एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेशन. यस, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोसेस. यूजुअली जब हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं तो वी फॉरगेट दैट डाइजेशन इज अ 5-step प्रोसेस. लोगों को लगता है मैंने खा लिया तो सब हो गया, बट वो तो फर्स्ट स्टेप होता है. द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज एक्सक्रीशन. इफ एक्सक्रीशन इज नॉट राइट देन देर आर गोइंग टू बी इश्यूज रिलेटेड टू डाइजेशन सच एज कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स,
एसिडिटी होना, एपेटाइट अफेक्ट हो जाना, या तो बहुत कम भूख लग रही है या तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, विच अगेन इज अ साइन ऑफ इम्बैलेंस. सो ऑल दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मूलाधार चक्र. एंड सी द एनस इज देयर, नो, वी एक्सक्रीट थ्रू द एनस थ्रू द रेक्टम, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट. श्रेया प्लीज गो अहेड. If I look at the upper part of the body, it helps the spine to keep a balance of the Yes. entire body. Yes, correct. Absolutely right. जब हम लोग आज बंध की प्रैक्टिस करेंगे ना, आई एम सो ग्लैड दैट श्रेया आइडेंटिफाइड दैट पॉइंट. सी द स्पाइन एंड्स देयर, नो, द टेल बोन, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द स्पाइन ऑल्सो. तो इनफैक्ट पीपल हु हैव डिस्टर्बेंस इन द मूलाधार चक्र विल हैव प्रॉब्लम्स देयरफॉर रिलेटेड टू द लोअर बॉडी, है ना. एंड द लोअर बॉडी ऑल्सो इंक्लूड्स द एंड ऑफ द स्पाइन, द लंबर स्पाइन. यूजली कोई बोलेगा ना बैक पेन है, यू आस्क देम, 9 out of 10 विल से लोअर बैक पेन है ना. वेरी फ्यू पीपल विल से अपर बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है. इट इज इधर द नेक दैट दे आर ट्रबल्ड विद और इट इज द लोअर बैक दैट दे आर ट्रबल्ड विद. एनी वन एल्स इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग प्लीज गो अहेड. यस सोनाली. मोबिलिटी मोबिलिटी, करेक्ट करेक्ट. यू सेड मोबिलिटी ओनली, राइट. यस यस. सो इट विल डेफिनेटली सी एनीथिंग रिलेटेड टू, हम लोग अभी आसन क्लास में भी इतना मोबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं एज यू मस्ट हैव फिगर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज. तो अगर हमारे लोअर बैक में कोई तकलीफ है, ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड में कोई तकलीफ है, अगर हमारे हिप जॉइंट्स में कोई तकलीफ है, यू नो, इफ यू आर सेडेंटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट अवर मोबिलिटी. इवन इफ वी हैव डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, सो पीपल हु हैव कॉन्स्टिपेशन, पीपल हु हैव एनीथिंग कंसर्न्ड विद डाइजेशन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एनर्जी लेवल्स, है ना. एंड एनर्जी विल ऑलवेज अफेक्ट योर मोबिलिटी. सो यू विल सी पीपल, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं जहां पे सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, स्क्वॉश है, पूरा टर्फ है, जिम है, यू नेम इट एंड दे हैव इट, दे हैव अ साइकिलिंग ट्रैक, दे हैव एवरीथिंग, दे डोंट यूज एनीथिंग, दे पे अ हेफ्टी प्राइस फॉर स्टेइंग इन दैट कॉम्प्लेक्स बट दे डोंट यूज एनीथिंग. एंड देन यू थिंक मेरे पास होता तो मैं क्या कुछ कर लेती, यू नो, बट देयर आर पीपल हु डोंट यूज इट. समटाइम्स इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एनर्जी. एंड वील कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मूलाधार चक्र ऑल्सो, जिससे ये और आप इसको यू विल बी एबल टू सिंथेसाइज दिस इंफॉर्मेशन. एनी वन इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग एल्स, अदरवाइज वील पुट इट ऑल टूगेदर. यस हरिका. Would it affect the nervous system as well? दिस वुडंट डिरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, बट बिकॉज इट अफेक्ट्स द वे वी लुक एट आवर सेल्स, then in that way it is going to affect our mental health. So it is deeply related to the mental health, but not directly to the nervous system, no. Sonali, boliye. Would it affect the sleeping pattern? It would affect the sleeping pattern for sure. It would, and we'll come to that. Thank you so much. I'm so happy that you all are able to connect the dots. Very happy. Thank you so much. Okay, so I'll just put this all together. Everything that you all have said has been correct. So that makes it much more engaging for me also. So first we are talking about the sthul sharir or the gross or physical body. So like we said, all the organs in the lower body. Okay, now sometimes it is not very easy to demarcate. Jaise hamara jo dusra chakra bhi hai, iske upar wale, jaise exact precisely the solar plexus or the Manipura chakra, which governs the digestive process. But understand that digestion, like we said, is a 5-stage process. So intestines, uske andar bhi aata hai, iske andar bhi aayega. You can't exactly compartmentalize. So sometimes 2-3 chakras are working towards or sharing a function amongst themselves. So all the organs in the lower body will be governed by the Muladhara chakra, but does not mean that other chakras have nothing to do with it. Okay, remember that. तो सारे ऑर्गन्स फंक्शंस, जैसे हमारा डाइजेशन एक्सक्रीशन है, दैट विल बी गवर्न्ड. ऑल फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव जो हमारे फंक्शंस हैं, दैट विल बी गवर्न्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट यूरिनेशन. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पैसेज ऑफ स्टूल, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट यूरिनेशन. सो यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव इनकॉन्टिनेंस इश्यूज. सिर्फ बच्चों में नहीं होता है कि उनका यूरिन लीक हो जाता है, एडल्ट्स में भी होता है. एंड now there is no age to it actually, because sometimes due to
repeated pregnancies also it can happen because those organs and those muscles of the pelvic floor take a lot of weight during those 9 months na, to wo urinary incontinence has become common. Now with women it happens with men also because men have prostate, and if prostate enlarges or something happens to the prostate, then they also have incontinence related issues. Women are slightly more vulnerable because we have the vaginal opening. Because we have that opening, so now nature has designed the body beautifully. तो उन्होंने आपको शरीर ऐसा दिया है जो अपने आप में जो है ना वो सेल्फ कंटेन्ड है. वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल थिंग टू मैनेज एनी इंटरनल फंक्शन. वी जस्ट नीड टू लीड आर लाइफ कॉन्शियसली एंड इन अ वे दैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स नेचुरल फंक्शनिंग. अगर उसमें हम बहुत ज्यादा डिविएशन कर लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंसेज या विकार प्रकट होते हैं. तो हालांकि हमको नेचर ने ओपनिंग दी है, हमारी यूरिनरी ओपनिंग भी अलग है, यूरिथ्रा का ओपनिंग अलग है और हमारा वजाइनल ओपनिंग अलग है, लेकिन क्योंकि वो ओपनिंग है और वो उसको ऐसे बनाया गया है कि एक पूरा बच्चा उसमें से आप पैदा कर सकते हैं, उसके कारण वी आर ऑल्सो प्रोन टू वॉट इज नोन एज ऑर्गन प्रोलैप्स. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, आई हैव हैड स्टूडेंट्स अक्रॉस एजेस हु हैव हैड एन ऑर्गन प्रोलैप्स. तो कभी कभी क्या होता है, जब पेल्विक फ्लोर के मसल्स हमारे, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, उनका टोन, उनका स्ट्रेंथ लूज हो जाता है और वो ओपनिंग के थ्रू हमारा ऑर्गन, स्पेशली हमारा जो यूट्रस है, तो द सर्विक्स इज द माउथ ऑफ द यूट्रस नो. जब सर्विक्स खुलता है तभी वजाइनली आप बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं, राइट. तो कभी कभी क्या होता है कि अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स विच आर लाइक अ हैमक, वो जो हम लोग झूला लगाते हैं ना बाहर अच्छे से, दोज मसल्स आर लाइक अ हैमक एंड दे आर होल्डिंग अवर होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स. तो अगर वो मसल्स, जैसे हैमक आपने कितने साल चलेगा आपका, धीरे धीरे वो, जिसको एक बहुत अच्छा शब्द है, लबड़ जाना और लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी और टोन. ओके, तो इफ इट लूजेज ऑल दैट, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्विक्स और द यूट्रस कमिंग आउट थ्रू द वजाइनल ओपनिंग. That is called an organ prolapse. And I know of cases where people have had this in their 40s also. Aisa nahi hai. Kab, to, ideally, it is best that we all have a natural menopause wherein we don't have to get the uterus removed. Preferably, that should be our goal. Lekin kuch cases mein, due to some reason, as a last resort and for a life-saving measure, hysterectomy karke uterus nikalte hain. लेकिन जिनका अब यूट्रस निकाल ही दिया तो मतलब वो तो प्रोलैप्स होने का चांस ही नहीं है. बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज वन मेजर फॉर सर्टेन लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस. लेकिन अगर यूट्रस है और ये हमारे हैमक स्टाइल के पेल्विक फ्लोर मसल्स लूज हो गए, तो वो यूट्रस के प्रोलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है. सो व्हेन वी लर्न द बंध टुडे, द मूल बंध, इट इज गोइंग टू हेल्प अस प्रिवेंट. The regular practice of that bandha is going to help us prevent conditions like prolapse or organ prolapse as it is called. So fertility related concerns are also governed by the Muladhar Chakra. Sexual functions like we discussed, functions of the bladder, of the colon are also obviously governed by this chakra. And continence related issues जो आदमियों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, where they're not able to hold urine. अब आपको washroom है तो you don't need to hold, but अगर कुछ देर के लिए आपको hold करना पड़ा, and imagine कि वो muscles उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, then how will it work? Correct? Then we have a problem at hand. All right? So all those things are governed and can be prevented by the help of this practice. Now let's look at it from the सूक्ष्म शरीर पॉइंट ऑफ व्यू और द सटल बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमारा फिजिकल बॉडी रिलेटेड हो गया. नाउ मूलाधार चक्र बीइंग द रूट चक्र इज आल्सो रिलेटेड टू अ प्राइमरी नीड्स. हम लोग इस दुनिया में है, हमको रहना है. अब हम लोग सब, वी आर ऑल व्हाट इज नोन एज गृहस्थ. हम लोग ने त्याग तो नहीं दे दिया है, हमने संन्यास नहीं ले लिया. वी आर नॉट भिक्षुक और भिक्षुनी कि हम लोग घर घर जाके वी विल आस्क फॉर दक्षिणा एंड दक्षिणा राधा वील आस्क फॉर भिक्षा एंड देन वी विल लिव अकॉर्डिंगली. दैट्स नॉट हाउ वी आर लिविंग, राइट. तो हमारी जो बेसिक नीड्स है, विच इज रोटी कपड़ा मकान, यू नो बेसिक नीड्स, हमारा जो रूट चक्र है वो इज रिलेटेड टू दीज बेसिक नीड्स ऑफ सिक्योरिटी,
of belonging, of family. So apart from roti, kapda, makan, we have other basic emotional needs also, na? We want some companionship. We want certain close relationships in our life because that is what gives meaning to our life. We don't live in isolation, right? So Mooladhar Chakra jo hai, uska... Now this is a two-way street. If I have harmonious relationships, close relationships, it is going to fuel my Mooladhar Chakra. And if my Mooladhar Chakra is right, then it is going to fuel my relationships. Hai na? It is a two-way street. Correct? It is directly proportional. So, agar, and it is also related to my self-identity. I will send one more infographic on the group later on. Ki har ek chakra jo hai na, usko aap do shabdo mein आप उसका एसेंस कैप्चर कर सकते हो. तो ये दो शब्द जो मूलाधार चक्र के लिए हैं, दोज आर आई एम. इट इज रिलेटेड टू माय सेल्फ आइडेंटिटी. हाउ डू आई लुक एट इट? हाउ डू आई लुक एट माय सेल्फ? ठीक है. इफ आई एम एट पीस विथ हु आई एम, इफ आई एम कंफर्टेबल विथ हु आई एम एज अ पर्सन, इफ आई हैव respect for myself, only then I can be respectful towards others. जैसे हम खुद को देखते हैं, जैसा हमारा self perception होता है, वैसे ही हम दुनिया को देखते हैं. If I don't trust myself, so you know, self talk is a very very potent tool. हम लोग ना actually, I can go on and on about how social media has ruined our lives, but you know, our focus is so external these days. And that focus is so scattered because हम अगर एक site पे जाते हैं, एक social media app पे जाते हैं, तो within 5 minutes we've probably seen 50 things, है ना? 5 minutes is enough to see 50 things on any social media platform. तो हमारा focus भी नहीं है, वो बहुत scattered focus है, right? But self talk is so important कि अगर हम वही 5 minute दिन में अगर खुद के talk को, self talk को सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व करें, यू नो, कि हम खुद से कैसे बात करते हैं. सो देर आर पीपल हु विल से, यू नो, कि मैं तो गधी हूं, आई एम स्ट्यूपिड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है. दे आर प्रोबेबली गोइंग टू लुक एट एवरीवन एल्स आल्सो द सेम वे. ऑलराइट, सो इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ और इफ आई कीप डिक्लेयरिंग के यू नो आई स्टार्ट न्यू थिंग्स बट आई डोंट फिनिश देम, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ. ओके, सो वन थिंग इज आइडेंटिफाइंग, अदर थिंग इज एक्टिंग अपॉन इट. Right? And then what happens is, if I don't trust myself, अगर मैंने कुछ decide किया है लेकिन मैंने उसको कुछ पूरा नहीं किया है, तो मैंने सबसे पहले अपना ही trust break किया है ना. If I said that I want to do XYZ, but I have not moved one step forward in doing that, then I have let myself down before letting anybody else down. Correct? तो अगर मुझे खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो मैं कभी किसी और पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी. Now, these are things that we don't realize, but they play out into our life at every level, in every relationship. In every relationship, I'm repeating that, at home, at work, everywhere. Nahi bharosa hoga. Jaise agar koi chor hai, usko pata hai ki wo chor hai, to wo kisi ko bhi apne paise ke saath trust kar sakta hai kya? पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर सके, क्योंकि वो खुद चोर है, उसकी फितरत में चोरी करना है, तो वो किसी और के पास अपने पैसे छोड़ के कभी चैन से रह ही नहीं पाएगा ना. इट इज एज सिंपल एज दैट. द वे वी लुक एट आवर सेल्व इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एंटायर वर्ल्ड. इट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरी रिलेशनशिप ऑफ आवर लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर रिलेशनशिप विद आवर सेल्व. ओके, सो मूलाधार चक्र, इट इज द रूट, इट इज द फाउंडेशन. दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. So when it is not in harmony, the Mooladhar Chakra, it is going to create anxiety. It is definitely going to create anxiety. There will be lack of focus. Okay? Kyunki aapki energy jo hai wo spread out hai, wo dissipated hai ya scattered hai. There will not be a strong sense of belonging. Agar Mooladhar Chakra disturbed hai toh. And when I'm talking about disturb, disturbance can be, मतलब कम भी हो सकता है और अति भी हो सकता है. तो लाइक आई सेड कि अगर वो कम स्पिन कर रहा है तो भी दिक्कत है, और एक्सेस में कर रहा है तो भी दिक्कत है. सो देयर विल बी ईदर अ लैक ऑफ समथिंग और एन एक्सेस ऑफ
वन ऑफ दीज थिंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहा, अगर वो कम गति में चल रहा है, उसका स्पिनिंग ठीक नहीं है, कम है रिक्वायरमेंट से कम, तो वी विल मिस आउट ऑन हैविंग डीप कनेक्शंस. अगर वो एक्सेस में चल रहा है देन वी विल बी ओवरली अटैच्ड, ओवरली डिपेंडेंट. वो जो बहुत ओवर पोजेसिव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, तू है मेरी किरण टाइप, ओके, दैट इज एक्सेस वाला. ठीक है, सो ईदर वे देर इज गोइंग टू बी डिस्टर्बेंस, देर विल बी टेंडेंसी टू बी डिप्रेस्ड, बिकॉज एंग्जाइटी तो है. एंग्जाइटी आ गया मतलब वो फाउंडेशन बन गया, फिर एंग्जाइटी होगा, फिर ओवर थिंकिंग होगा, फिर कुछ होगा, तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं. एंड लाइक आई सेड, एनर्जी विल बी स्कैटर्ड. नाउ सी, वॉट एवर वी वॉन्ट टू, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी हियर, वी आर अगेन टॉकिंग बोथ एट फिजिकल एंड सटल लेवल. तो एनर्जी, हमको लाइफ में जो भी करना है उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए. हमको फिजिकल लेवल पे तो एनर्जी चाहिए, हमको इमोशनल और मेंटल लेवल एंड प्राणिक लेवल पे भी एनर्जी चाहिए. ओके, प्राणिक लेवल ऑल्सो यू नीड एनर्जी, अदरवाइज यू कैन नॉट फंक्शन एज अ होल. होल एज इन WHOLE वाला होल. यू कैन नॉट फंक्शन एज अ होल अनलेस ऑल दीज एनर्जीज आर वर्किंग इन सिंक विथ ईच अदर. सो वेन आई गेव यू दैट एग्जाम्पल ऑफ पीपल जिनके बिल्डिंग के अंदर सब कुछ है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, बट दे नॉट यूजिंग एनी ऑफ इट, देर कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्राणिक एनर्जी. जैसे मूलाधार चक्र अगर बहुत कम स्पिन हो रहा होगा, ओके, देर विल बी अ लॉट ऑफ लेथार्जी एंड स्लगिशनेस. गेटिंग आउट ऑफ बेड विल बी अ चैलेंज, है ना, गेटिंग आउट ऑफ बेड इट्स, अरे थोड़ा और सो लेते हैं, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. सो वो भी अपने आप में प्राणिक एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड है. All right. Vanna, there are people, there are athletes who 365 days of the year are practicing, no? Correct? So it is a matter of a lot of things. Okay, so with that, our recap of Muladhar Chakra is done. You are most welcome, of course, to go back to that session and, you know, look at it in a much greater detail, because that session was about that. Okay, now we come to the concept of Bandha. ओके, सो एज द वर्ड टेल्स यू, जैसे हम बोलेंगे कि कुछ दुकान खुली है या दुकान बंद है, करेक्ट, दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बंद इज ऑल्सो द सेम. इट इज अ लॉक और अ सील इफ यू लुक एट इट लिटरली एज एन एक्सप्लेनेशन. अभी बंद का पर्पस क्या है, सो वी विल अगेन लुक एट बोथ द फिजिकल लेवल एंड द सटल लेवल. सो लाइक वी सेड, मूलाधार चक्र का बेस हमने समझ लिया, मतलब वो स्थित कहाँ पे है वो हमने समझ लिया बॉडी के अंदर. तो जब हम मूल बंद करेंगे तो ऑब्वियसली फिजिकली हम उसी जगह को बंद कर रहे हैं, राइट, हम उसी जगह को बंद कर रहे हैं. तो नाउ वी नो कि पेल्विक फ्लोर मसल से कनेक्टेड है, तो जब आप उस एरिया को बंद करेंगे आप एक्चुअली उन मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप उनको स्टिम्युलेट कर रहे हैं इन अ फिजिकल सेंस. यू आर एक्सरसाइजिंग दैट मसल. Okay, so that is going to help you retain the tone, the functioning, the elasticity of those muscles. Now, fortunately, a lot of research studies have been done on various things. So, multiple hongi, lekin in the course of my research on the subject, I found that there was this one study done where 50 women with urinary incontinence, unko regularly mool band karwaya gaya, aur ye paya gaya ki unka jo incontinence hai, wo kafi had tak they could what is it called? Reverse it. ठीक है? तो see, the beautiful thing about the body is that whichever stage it is at, whatever level of functionality, pain है, you know, कुछ disturb हो गया है body के अंदर, mobility कम हो गई है, but when you start moving it, when you start exercising it, when you start using it the right way, it regains, or at least to some extent it will regain. इसीलिए फिजियोथेरेपी होती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग उस पर काम करते हैं, दे रीगेन, नो, अनलेस इट हैज द डैमेज हैज रीच टू अ सर्टेन लेवल जहां से वो इररिवर्सिबल हो गया, तो वो और बात हो जाती है. बट समथिंग लाइक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज नॉट एन इररिवर्सिबल कंडीशन. ओके, सो इट हेल्प्स. तो इसका फंक्शन क्या होता है फिजिकल लेवल पे, इट विल वर्क ऑन दोज एरियाज. नाउ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू, see, when we again look at digestion as a process, तो बहुत सारे organs और बहुत सारे movements उसके अंदर involved होते हैं, ठीक है ना. तो जैसे for example, I'll give you another example, जैसे जब हमारा गला बैठ गया है,
हमको गले में खराश हो गई है, हमको ठीक से बोलने नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, वॉट एवर, वॉट आर द फ्यू थिंग्स दैट वी विल डू? जस्ट थिंक अबाउट इट. वॉट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू विल डू कि ये ठीक हो जाए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दवाई लेना, वो बाद की बात है, बट वॉट आर द प्राइमरी फ्यू थिंग्स? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी विल डू इज वी विल स्टॉप टॉकिंग, और वी विल टॉक एज लेस एज पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवर स्ट्रेन है ना. तो आपको पता है कि जब तक उसको आराम नहीं देंगे तब तक वो ठीक कैसे होगा? इट विल नीड रेस्ट टू रिकवर एंड टू हील इटसेल्फ, करेक्ट? तो इन अ वे बाय नॉट डूइंग एनीथिंग टू समथिंग दैट हैज बीन ओवर स्टिम्युलेटेड, कुछ एक्सेस करने से अंदर कुछ डस्ट गया है, कुछ पार्टिकल गया है, बहुत बोला है. कभी कभी कोई सेशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू दीज सेशंस अर्लियर वेयर आई वुड बी टॉकिंग फ्रॉम से 10 to 6 इन द इवनिंग, सो लाइक 7 hour 8 hour सेशंस. सो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली गला बैठ ही जाएगा ना, राइट? सो वैसे तो जब हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं, दीज बंधास ऑल्सो हेल्प अस इन स्टिम्युलेटिंग द ऑर्गन्स. ओके, तो अगर एक्सेस में या मंद पड़ गया है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली द इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट प्रॉपरली बिकॉज यू आर नॉट एक्सक्रीटिंग. जैसे आपने घर में से कचरा निकाला ही नहीं है तो रोज तो नया कचरा आ ही रहा है और पुराना आपने निकाला नहीं है, तो ऑब्वियसली वो और मल या और इम्प्योरिटी जमा होने वाली है, करेक्ट? सो दैट इज वेयर ऑल्सो बंधास इन जनरल, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंध. टूडे वी आर ओनली डिस्कसिंग वन, इन द नेक्स्ट क्लास होपफुली विल डिस्कस द अदर वन. तो इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स, इट हेल्प्स इन प्योरिफाइंग, इट हेल्प्स इन हार्मोनाइजिंग. तो जो सही चल रहा है वो सही चलता रहेगा, जो जिसकी गति कम हो गई है वो नॉर्मल पे आने पे हेल्प करेगा, जिसकी गति एक्सेस है उसको टोन करने में, उसको रेन इन करने में, उसको नॉर्मलाइज करने में, रेगुलराइज करने में वो हेल्प करेगा. ऑलराइट, इट विल ऑल्सो एट द सटल बॉडी लेवल, एट द सूक्ष्म शरीर लेवल, इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग और रिटेनिंग द डिसिपेशन ऑफ प्राणिक एनर्जी. आई रेड दिस फ्रेज एंड आई रियली लाइक हाउ इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ व्हाट इट सेज. तो वी हैव प्राणिक एनर्जी इन द बॉडी, वी हैव प्राणिक चैनल्स जिसको हम नाड़ीज बोलते हैं, जो एनाटॉमिकल लेवल पे नहीं है, ठीक है? पर ये नाड़ी जो हमारे शरीर में 72,000 मतलब 72,000 नाड़ियां हैं, विच अगेन ब्रांच आउट इनटू अनदर 72,000 प्राणिक चैनल्स. ओके, तो जब हम सांस लेते हैं, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो सिर्फ सांस से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीजों से भी रिलेटेड है, बट जब ये सारी नाड़ियों तक ठीक से पहुंचती है, तब हम लोग जो है, हमारी प्राणिक एनर्जी जो है, इट इज फ्यूलिंग द होल बॉडी. तो अगर यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेजेस है, अगर उसका ठीक से वितरण नहीं हो रहा है, देन वो जहां पे नहीं पहुंच पा रही है वो एरियाज जो है वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड फंक्शंस, उनसे रिलेटेड हमारे इमोशंस, बिकॉज द होल इज डिस्टर्ब, सम पार्ट ऑफ द होल इज डिस्टर्ब, सो एज अ होल इट इज नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमली, करेक्ट? तो जब हम बंध लगाते हैं तो वो हमारी प्राणिक एनर्जी जो यहाँ वहां डिफ्यूज हो रही है या वो किसी जगह पे ठीक से नहीं पहुंच रही है, वहां पे उसको पहुंचाने में वो हेल्प करता है. सो थिंक ऑफ अ स्प्रिंग. ओके, जैसे स्प्रिंग मैट्रेस भी मिलता है, बहुत सी चीजें होती हैं. आप जब स्प्रिंग को ऐसे हाथ में रख के दबाएंगे, फिर जब आप उसको रिलीज करेंगे, जब आपने दबा के रखा है तो उस टाइम के लिए स्प्रिंग अपना काम नहीं कर सकती है. स्प्रिंग का काम नहीं है ऐसे एक जगह पे दब के रहना, पर जब आप उसको रिलीज करेंगे तो वो यूजुअली जितने लेवल की है वो उससे ज्यादा ऊंची होके वो इट विल स्प्रिंग बैक. दैट इज व्हाई आई से ना, वी विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्शन और पीपल स्प्रंग इनटू एक्शन. तो वो अपने लेवल से थोड़ा ऊंची जाके फिर वो अपने नॉर्मल इस पे आएगी. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बंध जो है वो हमारे शरीर में वो काम करते हैं कुछ देर के लिए. बंध को ज्यादा देर होल्ड नहीं किया जाता, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स. इन दोस फ्यू सेकेंड्स आप क्या कर रहे हैं कि उस जगह पे आप प्राणिक एनर्जी को सील करके रख रहे हैं, लॉक करके रख रहे हैं, ताकि जब आप उसको रिलीज करें तब जो है वो रिन्यूड विगर के साथ में, वहां पे ब्लड सप्लाई भी कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, वहां पे सांस भी कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा जब आप रिलीज करेंगे. तो जैसे अगर आपने हाथ ऐसे दबा के रखा है, जैसे वो ब्लड प्रेशर नापते हैं, सबको पता है ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं ना, तो कुछ देर के लिए वो ऐसे यहाँ पे एकदम टाइट हो जाता है,
फिर जब वो आप निकालेंगे तो वो वहां का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर वहां पे वापस ब्लड सप्लाई रिज्यूम होती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. दैट इज एग्जैक्टली हाउ अ बंध वर्क्स. क्लियर? दैट इज द पर्पस ऑफ बंध एंड इट विल वर्क एट बोथ द फिजिकल एंड द सटल बॉडी लेवल. नाउ सी द अदर ब्यूटिफुल थिंग इज दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ब्यूटिफुली कनेक्टेड. सो वेन वी टीच प्री नेटल योग, अ लॉट ऑफ विमेन, मेरे ख्याल से तो ये सब स्कूल में पढ़ाना चाहिए बिकॉज दिस इज सो बेसिक, दिस इज रिलेटेड टू अवर बॉडी, बट टिल द टाइम वी गेट देयर एनी वे. तो वेन वी टीच प्री नेटल योगा एंड वेन वी प्रिपेयर वुमेन फॉर अ वजाइनल बर्थ, वी टेल देम दैट अ टाइट जॉ इज रिलेटेड टू द वजाइना. सो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस. एवरीबडी सिट विथ योर आईज क्लोज, सिट कंफर्टेबली. थोड़ी देर हम ये करेंगे, सो देन आई विल टीच यू अनदर कनेक्शन जो आपको बंध में हेल्प करेगा. नाउ एवरीबडी टाइटन योर जॉ, दांत को एकदम दबाओ एक दूसरे से और अपने वजाइना पे ध्यान रखो. अभी दांत को ढीला छोड़ दो और फिर से वजाइना पे ध्यान रखो. आई वॉन्ट यू टू डू दिस एटलीस्ट 3 times, होल्डिंग फॉर 3 seconds में बी. टाइटन योर जॉ, टाइटन योर टीथ एंड फील योर वजाइना एंड देन रिलीज and feel your vagina. Do it just 3 times. That should be enough for you to get the connection. If you've already got the connection, then you can open your eyes. Okay, give me a thumbs up or just nod so I know ki aapko connection pata chal gaya. And you see any Hindi movie and they're only showing them tightening the jaw and screaming their lungs out and then they think actually it is going to help in birth. It doesn't help that way. Anyway, now, the beautiful thing about Mula Bandh is that if you focus on the tip of your nose, it is going to take you to the base where the Muladhar Chakra is or where your root is. So again, close your eyes. Agar aapko aankhe band karke bhi, you can focus on the nose tip. लेकिन अगर आपको आंखें खुली रख के करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं. जैसे करना है आप करिए. इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा बिकॉज ये थोड़ा और सटल है. सो टेक योर टाइम. नोज टिप पे फोकस करना, कुछ सेकेंड रुकना, छोड़ देना, फिर वापस करना ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए. अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट इज ओके. देर आर अदर वेज, बट आई विल टेल यू व्हाई दिस वे इज द बेस्ट वे. अगर आपको लगता है कि सटली भी, इट विल बी वेरी सटल, क्योंकि नया है ना, तो इट विल बी वेरी सटल, एकदम से नहीं आएगा. और हम कहाँ उतना डीप में खुद की बॉडी पे ध्यान देते हैं कि हमको पता चलेगा. सो इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स. बट द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस अप्रोच इज, सी इफ आई टेल यू के इमेजिन के आपको अभी वॉशरूम जाना है, मतलब यू वॉन्ट टू रिलीज ओनली यूरिन नॉट स्टूल. सो आई विल टेल यू के समझो कि अभी आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन अभी वॉशरूम है ही नहीं आपके, आप जहां पे हो वहां पे वॉशरूम है ही नहीं. तो नाउ यू हैव टू कंट्रोल. Now practice that. You are trying to control your urine. ऐसा सोचो, आंखें बंद करके बैठिए और आप ये सोचिए कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन अभी अब है नहीं वॉशरूम, तो मुझे अपना यूरिन कंट्रोल करना है. वैसे सोच के आप अपनी बॉडी के उस मसल को एंगेज करोगे. नाउ कीप योर आईज क्लोज, कीप दैट मसल एंगेज एंड लिसन टू मी केयरफुली. इन ऑल लाइकलीहुड इट इज पॉसिबल कि आपके वजाइनल ओपनिंग के साथ आपका एनल ओपनिंग, जहां से हम लोग स्टूल पास करते हैं, वो भी लॉक हो गया. In all likelihood, that is what happens. लेकिन हमको मूल बंध के अंदर एनल ओपनिंग को लॉक नहीं करना होता है. ठीक है, हमको उसको लॉक नहीं करना होता है. अभी आप आंखें खोल दीजिए. ओके, नाउ द थिंग इज कि जब हम नया नया करते हैं तो हमारा ये बाई डिफॉल्ट हो जाता है. इवेंचुअली वी हैव टू रीच टू अ स्पेस वेयर वी आर ओनली एंगेजिंग द पेल्विक फ्लोर मसल एंड नॉट द एनल ओपनिंग एट ऑल. नए नए में वैसा नहीं होगा, लेकिन पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यू विल लर्न इट द राइट वे रादर देन फर्स्ट लर्निंग वन वे देन अनलर्निंग दैट एंड देन गेटिंग यूज टू अ न्यू प्रैक्टिस. है ना? तो दैट इज वाई आई वॉन्टेड यू टू एक्सपीरियंस बोथ.
excessive locking of the anal opening is not good for the body. Otherwise, I would have told you ऐसे ही करते हैं क्योंकि आसान है. लेकिन एक्चुअली वो अच्छी मतलब इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस टू बी डन रिपीटेडली. ठीक है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देर आर सर्टन थिंग्स जिनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए. जैसे अगर आपको छींक आ रही है, यू वॉन्ट टू स्नीज, उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए. यू वॉन्ट टू पास यूरिन, उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए. यू वॉन्ट टू पास मोशन, कभी भी रोकना नहीं चाहिए. ओके, बिकॉज द बॉडी इज इन एलिमिनेशन मोड, इट इज इन क्लीनिंग मोड, इट इज इन डिटॉक्सिफाइंग मोड. व्हाई डू यू वॉन्ट टू कंट्रोल इट, है ना? तो वो हमारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में, कभी कभी रेयर सिचुएशन होता है वो और बात है, इट्स नॉट गोइंग टू डैमेज द बॉडी, बट डन रिपीटेडली इट इज गोइंग टू हार्म द बॉडी. सो लॉकिंग द एनल स्फिंक्टर रिपीटेडली इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ओके, बट द पेल्विक फ्लोर और द मूलबंध इज अ वेरी वेरी हेल्दी प्रैक्टिस. ऑफकोर्स इट शुड नॉट बी डन इन एक्सेस. हैविंग सेड दैट, प्रेगनेंसी के टाइम पे, आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई एम शेयरिंग द कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी के टाइम पे और पीरियड्स के टाइम पे मूलबंध कभी भी नहीं करना चाहिए. एंड इट्स वेरी सिंपल वाई, बिकॉज द बॉडी इज डिफरेंट ड्यूरिंग दोज टाइम्स. तो यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग इट, इट इज इन अ डिफरेंट, इट इज सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे आपको बंध नहीं करना है. ओके, दूसरी बात यह है कि मूलबंध जो है वो आप दोनों कुंभक में, कुंभक इज रिटेंशन ऑफ ब्रेथ एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ कुंभक. मैंने सांस भरी और मैंने उसको अंदर रोक लिया, दैट इज कॉल्ड अंतर कुंभक. मैंने सांस को वापस बाहर नहीं जाने दिया. ओके, वी हैव डन अ सेशन ऑन कुंभक, इट्स अ डिफरेंट सेशन, प्रैक्टिस करने से पहले देखना चाहिए. अनदर इज बाह्य कुंभक, मैंने सांस भरी, मैंने सांस छोड़ दी, छोड़ने के बाद मैंने नई सांस नहीं ली, दैट इज बाह्य कुंभक, एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ. जो मूल बंध है वो दोनों में किया जा सकता है. अंतर कुंभक मैंने मतलब सांस भरी और भर के मैंने बंध लगाया, दैट इज ऑल्सो फाइन, और मैंने सांस छोड़ दी, नई सांस नहीं ली, फिर मैंने मूल बंध लगाया, दैट इज ऑल्सो फाइन. बोथ आर फाइन, अपने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से बेनिफिट दोनों में ही है. सब बंध में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, मूल बंध में है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. वेन वी गो टू अदर बंधस, इफ दिस इज नॉट द केस देन यू विल बी told about it at that time. Okay, so now what we are going to do is we are going to keep it simple for today because it is the first time and it is very subtle, and I want you to focus on your nose tip and practice that way only. So what I would suggest, agar aap vajrasan mein comfortable hain to vajrasan mein aa jaiye, because vajrasan mein na hamara us area ka awareness physical level pe better hota hai, because hamara ye buttocks jo hai wo zameen pe nahi hote hain. If you are not comfortable, then continue. Or if you can sit in Vajrasana for maybe only 30 seconds, then try that and then you can go back to Sukhasana. So, aap aaram se baithiye. Agar aapko, because nahi practice hai, if you want to keep your eyes open and focus on the nose tip, if you think that helps you, do that. I leave it completely to you. और इस अभी के लिए ना हम लोग सांस वगैरह पे इतना वो नहीं करेंगे. पहले आप एरिया की अवेयरनेस लो फिजिकल लेवल पे, उसके बाद हम देखेंगे हमको कैसे करना है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट, यू जस्ट वर्क ऑन गेनिंग अवेयरनेस ऑफ दैट एरिया बाय फोकसिंग ऑन योर नोज टिप विथ क्लोज्ड आईज, विथ ओपन आईज, चॉइस इज योर्स. और अगर आपको वो सटल अवेयरनेस आ गई कि मेरे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो हल्के से एंगेज हुए, मुझे फील हुआ, तो फोकस नोज टिप पे ही रखो. अभी टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करो उन मसल्स के एंगेजमेंट का. यस श्रेया, कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. यस श्रेया, आई एम फीलिंग दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज बिकमिंग हेवी एंड टाइट. करेक्ट करेक्ट. सो क्या होता है कि वो मसल्स थोड़े से लिफ्ट होते हैं, दैट इज व्हाई यू कुड बी फीलिंग दैट वे. हैविंग सेड दैट, ये बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे नहीं हो सकता है. अगर बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे है तो शायद एनल मसल्स भी एंगेज्ड होंगे. सो कंटिन्यू फोकसिंग ऑन योर नोज टिप एंड सी हाउ इट गोस. यस हरिका, इज इट ओके टू गेट द एनल मसल्स आल्सो एंगेज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आई थिंक दैट्स हैपनिंग. आई मीन दैट इज व्हाट आई एम नोटिसिंग देन द वन.
करेक्ट. सो आइडियली एनल मसल्स का नहीं होना चाहिए, इट शुड मेनली बी द पेल्विक फ्लोर मसल. तो यू कंटिन्यू फोकसिंग ऑन योर नोज टिप, सी हाउ इट गोज. ओके जी, How is कविता. aging? How is aging connected to this? Not that, you know, it's a specific. I just want to know in general, या how आई is एम aging? वेरी ग्लैड, आई एम ग्लैड यू आस्ट मैम. सो सी, हमारी पूरी बॉडी जो है, हम लोग बोलते हैं ना कि अभी एज हो गई तो उतना काम नहीं होता है, या अभी मेरे पैर दुखने लगे हैं. यू विल हियर पीपल सेइंग दैट, यू नो, अर्लियर आई कुड वॉक फॉर 1 आवर एट अ गुड स्पीड, अब मेरे चलने की स्पीड कम हो गई है. सो ऑल दीज आर थिंग्स दैट वी एसोसिएट विद एजिंग. ऑफकोर्स एज इज वन फैक्टर, बट द अदर वे इज ऑल्सो हाउ वी हैव कंडक्टेड आवर सेल्स इन आर लाइफ, यू नो, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, विथ रिस्पेक्ट टू स्लीप, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज, एवरीथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू आर मेंटल स्टेट, आर इमोशंस, एवरीथिंग एज अ होल, एज अ होल. करेक्ट. ओके, सो नाउ लाइक एवरी ऑर्गन, एवरी मसल हैज ऑल्सो लिव्ड फॉर एज लॉन्ग एज आर बॉडी हैज लिव्ड. नो, इट हैज बिन वर्किंग, इट हैज बिन फंक्शनिंग. नाउ इफ वी डोंट यूज इट द राइट वे, और इफ वी स्टॉप यूजिंग इवन एन एसी और अ कार और अ फ्रिज, इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन द वे इट वॉज डिजाइंड टू फंक्शन. नो, इट इज गोइंग टू यूज, देर इज गोइंग टू बी वेयर एंड टेयर, सो देर इज गोइंग टू बी दैट. सो दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड टू एज. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. ओके, ऑल राइट. सो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एवरी वन. टूडे इफ यू जस्ट गेन अवेयरनेस, दैट इज इनफ. आंखें बंद ही रहने दे, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू थिंक यू आर मेकिंग सम प्रोग्रेस, वॉट एवर प्रोग्रेस लेवल इट मे बी. वेरी गुड. नाउ वॉट, आंखें बंद ही रखना. हाँ, वॉट आई वुड से इज दैट यू टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, होल्ड दैट ब्रेथ इन साइड, कंटिन्यू फोकसिंग ऑन द नोज टिप, एंड देन यू अप्लाई दैट लॉक एंड काउंट फॉर मे बी 5 सेकेंड्स अपने मन के अंदर, एंड देन रिलीज द ब्रेथ एंड रिलीज द लॉक बोथ, एंड देन स्टार्ट अगेन. दैट इज योर मूल बंध. लेट्स ट्राई दिस फॉर 5 रेपिटेशंस. पहले आप सिर्फ सांस भरना, पूरी सांस भर लेना, फिर अपने नोज टिप पे आप फोकस करके अपने मसल्स का अवेयरनेस लेके आप उसको होल्ड करके रखना, मसल को भी और सांस को भी, फॉर 5 सेकेंड्स. देन यू रिलीज. ऐसे आप 5 बार प्रैक्टिस करें. पांच बार हो जाए तो रुक जाए. जी श्रेया, The vaginal opening is giving me a tickling sensation दैट इज constant. ओके, दैट इज एक्चुअली, सॉरी, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से प्लीज No, कंटिन्यू. that's या it. सो There's व्हाट, no engaging of the anus muscles, but it is only the vaginal opening that is giving me a tickling. या सो दीज थिंग्स कैन हैपन, वन बिकॉज वी आर नॉट, सी एवरी पार्ट ऑफ द, वी आर ब्रिमिंग विद सेल्स. नो, मतलब हमारी पूरे कण कण के अंदर देर इज प्राणिक शक्ति, देर इज एनर्जी, देर इज लाइफ फोर्स. एंड दैट इज हाउ वी कॉल आर सेल्स अलाइव, नॉट जस्ट बिकॉज सांस चल रही है. सांस तो वेंटिलेटर पे भी चलती है आर्टिफिशियली. ओके, सो एवरी बॉडी पार्ट इज केपेबल ऑफ सेंसिंग समथिंग, जिसको हम सेंसेशन बोलते हैं या संवेदना बोलते हैं. तो दिस इज जस्ट योर अवेयरनेस विच इज मेकिंग यू फील दैट वे. इन ऑल लाइकलीहुड द टिकलिक सेंसेशन इज देयर अ लॉट ऑफ टाइम्स अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन क्योंकि अभी आपका ध्यान उधर है तो आपको फील हो रहा है. सो इट इज ओके, इट इज नॉर्मल, नथिंग अनलाइकली अबाउट इट. किसी को हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. ओके, ईदर वे यू आर गुड.
Sonali, you think you could manage the bandha? Okay, good, very good. I don't know if it is correct. So when I used to breathe in a block, then I would feel that the vagina is to lift it. Yes, yes, that happens. See, pelvic floor muscle hai na, jaise wo hammock hai. You know, वो जो झूला होता है कपड़े का झूला जैसा राइट वो ही हमारे ऑर्गन्स को पकड़े हुए हैं तो जब आप लॉक कर रहे हो तो वो थोड़ा सा लिफ्ट होगा दैट इज अ गुड साइन वो आपको फील हुआ दैट इज अ वेरी गुड साइन अगर पांच हो गए हैं तो यू ऑल कैन रिलैक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग देन प्लीज गो अहेड एंड डू इट इफ आई डोंट नो द आंसर नाउ आई विल कम बैक टू यू विद एन आंसर लेटर जी कविता जी I think with the kumbhak, it was a lot easier to do with the antariya kumbhak. Yes. The whole the band was possible. Correct. Better. Because already आप सांस से भरे हुए हैं, तब जब आप lock करते हैं, तो आपको वो बहुत ही at a physical level आपको और अच्छे से feel होगा. It is easier to feel that way at the physical level. With practice, bahya kumbhak maybe you will feel it. You will feel it. That day will come. Don't worry. For now, this is a good starting point. Okay, thank you. Thank you for sharing. Anyone else, if you have any questions? Yes, Harika. So, is the relation between the nose and the pelvic, is there a muscle that really is connecting all of this together? Is there a single muscle like that? I'm just curious to understand how it is working. It's a good question. I hadn't thought of it that way. So to answer your question, I don't know if there is a single muscle. But you know, at the subtle body level, we know that there are nadis. And there are three main nadis that we speak about, which is the Ida, the Pingala, and the Sushumna. Now, the Sushumna nadi is the one in the center. Hai na? So we have Chandra nadi and Ida, and we have Surya nadi and the Pingala, and we have the Sushumna nadi. So wo jo Sushumna, wo center mein hoti hai. और हम लोग जो है एक एक चक्र से जब ऊपर की ओर जाते हैं और सहस्र या क्राउन चक्र में जाते हैं दैट इज वेयर ऑल दिस यूनियन मतलब दैट इज द टॉप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन यू से कि बोधि या एनलाइटनमेंट आपको मिल गया है जब आप इस बॉडी से परे हो जाते हैं यू वन बियॉन्ड द सटल द ग्रॉस एवरीथिंग ओके सो दैट इज इन द सेंटर So I think that is where the connection could be from. But at the muscular level, I'll read. And if you also find something, then you also please let me know. But thanks for asking. I hadn't thought about it that way. Thank you. Now it's making me wonder what is the connection between the jaw and the vagina also, you know, because that we can feel so much more quickly. It is so intense that it is sad that women who had multiple babies still don't know the connection. It's like we are failing women. By not telling them how your body works, you know? Anyone else? Anything else? All right. Thank you for joining in. We really don't have time for Shavasana. But if you want to practice by yourself, do that. Thank you for being here. Thank you for engaging and asking questions that help me also grow as a teacher. Lovely being here today. I'll see you in the class tomorrow morning. Take care. Have a lovely day. Goodbye. Thank you.